कई लोग एकदम से कमेंट कर देंगे कि डीजल इंजन में बाइक आती है, रुक जाइए मुझे पता है डीजल इंजन की बाइक आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आम तौर पे बाइक्स जो है वो पेट्रोल इंजन के साथ ही क्यों आती है। जी हाँ, डीजल इंजन के साथ बाइक्स आती रही है जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, लेकिन जनरली आपको कहाँ देखने को मिल रही है आज के वक्त, बताइए मुझे कोई भी ऐसी इंडिया में कार मैन्युफैक्चर या बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि डीजल इंजन के साथ बाइक बना रही है। कोई नहीं है। रॉयल एनफील्ड ने पहले किया है, हीरो इस प्लानिंग में है कि वो एक डीजल इंजन के साथ में बाइक या स्कूटर जैसा कुछ लाए, लेकिन अभी तक ऑन रोड कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, पेट्रोल क्यों प्रेफर किया जा रहा है, डीजल क्यों नहीं आता है बाइक इनमें, डीजल इंजन क्यों नहीं, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि बाइक का यूजेस क्या है, क्योंकि वहीं से आपको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। पहला, बाइक जो है वो सस्ती होती है कार से। दूसरी चीज़, बाइक इजीली मैनूवरेबल होती है, ठीक है, आप कहीं भी ट्रैफिक में बीच में से घुसा दिया, छोटी होती है, वेट कम होता है वगैरह वगैरह। तो ये दो मेन चीज़ें हैं बाइक पे जो कार में नहीं देखने को मिलती है आपको। अब आपको चलते हैं समझाने पे कि भैया पहली चीज़ कैसे अफेक्ट होगी। तो अगर आप डीजल इंजन लगाएंगे बाइक में तो सबसे पहले भैया कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि उसमें लगेगा टर्बोचार्जर, टर्बोचार्जर लगा कॉस्ट बढ़ी। उसके बाद में डीजल इंजन जो है उसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेटल जो है वो भारी होना ज़रूरी है। भारी मेटल लगेगा तो कॉस्ट भी मेटल की ज़्यादा होगी, मोर मेटल मोर कॉस्ट, यहाँ पे फिर कॉस्ट बढ़ गई। फिर जो है, क्योंकि डीजल के एक लीटर डीजल में पावर ज़्यादा होती है, ठीक है, एक लीटर पेट्रोल के मुकाबले, तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अब वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करने के कारण उसको हीट को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए एडिशनल कोई फैन लगाना पड़ेगा या कोई ऑयल कूल्ड वगैरह जैसी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि ज़रूरी नहीं कि पेट्रोल इंजन में यूज़ करनी पड़े, तो फिर कॉस्ट बढ़ गई। फिर उसके बाद में एक और चीज़ आती है और वो है मेंटेनेंस। बाइक जो है इजी ऑन मेंटेनेंस होती है पेट्रोल इंजन के साथ में, डीजल इंजन आएगा तो भैया मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पे भी कई लोग जो है बैक क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया कई ऐसे डीजल इंजन देखे हैं हमने जो पेट्रोल के बराबर मेंटेनेंस चाहिए होता है। तो आमतौर पर ऐसे सारे डीजल इंजन जिनकी आप बात कर रहे हैं वो टू सिलेंडर या फोर सिलेंडर होंगे। सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन के साथ में उसे कॉम्पैक्ट रखना, वहाँ पे टेक्नोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा आगे ले जाना पड़ेगा, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी। अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें कम मेंटेनेंस चाहिए पेट्रोल के मुकाबले में, ठीक है, तो उस सूरत हाल में मेंटेनेंस भी ज़्यादा चाहिए आपको। फिर उसके बाद में बैटरी जो है वो हैवी चाहिए डीजल इंजन को स्टार्ट करने में, तो फिर से वो हैवी बैटरी का कॉस्ट ऐड कर लो। ऐसी छोटी मोटी कई कॉस्ट ऐड हो जाएगी, कई ऐसे पार्ट्स होंगे जो कि आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे। जैसे पेट्रोल में स्पार्क प्लग चाहिए होता है, डीजल में इंजेक्टर चाहिएंगे, तो वहाँ इंजेक्टर जो है महंगे आते हैं स्पार्क प्लग से, तो फिर से कॉस्ट ऐड हुई और इस हिसाब से कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। एक 50-60 हज़ार में आने वाली बाइक अगर सेम इंजन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के साथ में डीजल में ऑफर करनी पड़े तो लगभग 1,20,000 1,30,000 के आसपास पहुंच जाएगी। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट जो हमने बताया कि भाई बाइक के यूजेस, क्विकली कहीं जाओ, कम वेट वगैरह वगैरह, तो उस पर प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। डीजल इंजन वाइब्रेशन ज़्यादा करता है, तो उन वाइब्रेशंस को बाइक में कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फिर डीजल इंजन आवाज़ ज़्यादा करेगा, तो उस एक्स्ट्रा आवाज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए वो फिर से एक चैलेंज, वो आवाज़ कम कैसे की जाए, नॉइज़ जो है वो कम कैसे की जाए। फिर उसके बाद आती है हीट, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उस हीट को कैसे कम रखा जाए वो भी एक चैलेंज होगा। उसके बाद आता है पोल्यूशन। जी हाँ, डीजल पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा पोल्यूशन करता है, वो पोल्यूटेंट्स ऐसे निकालता है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए ख़राब होते हैं। तो उन पोल्यूटेंट्स, अगर मान लो आप सारी बाइक जो आप देख रहे हो तो सारी की सारी बाइक डीजल पर चलने लगे, तो भैया पोल्यूशन का लेवल जो ऊपर चला जाएगा और दोस्तों वहां पे मुश्किल हो सकती है। तो इन सब चीजों को टेकल करने के लिए अभी तक कोई परफेक्ट चीज आई नहीं है मार्केट में। हीरो ट्राई कर रहा है, उम्मीद करते हैं सक्सेसफुल हो जाए। और फिर एक चीज आप ये देखिए, डीजल आपको क्यों लगाना है, आपको कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट बचाने के लिए, तो आपको ऑलरेडी ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उसकी सोचो। अगर आपको चाहिए भैया पावर मस्त टॉर्क ज्यादा निकलेगा वो लगाना है, तो मतलब इतना टॉर्क लेके कहाँ जाओगे, क्या करना है आपको, गाड़ी से वेट तो उठाना नहीं है, उसको ट्रक तो खींचना नहीं है उससे, बाइक से, तो मतलब थोड़ा इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है जितनी कॉस्ट उसकी पड़ रही है। इसलिए आमतौर पे हम लोग बाइक में डीजल इंजन नहीं देख पाते हैं। कोशिश की है बिल्कुल, रॉयल एनफील्ड ने की है, कई ऐसी फॉरेन कंपनी से जिन्होंने की है, हीरो कोशिश कर रहा है बनाने की, रॉयल एनफील्ड ने तो चलाया भी था काफ़ी वक्त तक। मैंने खुद ने एक डीजल की बाइक देखी है लेकिन वो ख़राब थी तो मैं उसे चला तो नहीं पाया कभी। हाँ, अभी मौका मिले तो मुझे भी ज़रूर ट्राई करनी है कि डीजल की बाइक को चलाने में कितना मज़ा आ रहा है। बस आपको भी करना है तो बता दीजिए, और अगर आपके मन में यही सवाल था कभी जो मैंने आंसर कर दिया है वीडियो के थ्रू, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मैं आपके लिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड डेली ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।